शो सीजन 14 के घर के अंदर रूबीना दिलेक एक ऐसी कंटेस्टेंट के तौर पर आई जिन्होंने आते ही ये साबित कर दिखाया कि उनकी जो जर्नी है, उनका जो सफर है बिग बॉस का, वो काफी लंबा होने वाला है। इस राह में उनको बहुत से लोगों ने सपोर्ट करा, लेकिन एक ऐसा भी तबका है, एक ऐसी भी कम्युनिटी है जो शुरू से एक मील के पत्थर की तरह रूबीना के साथ खड़ी है, और वो है किन्नर समाज। किन्नर समाज ने अब रूबीना को जिताने के लिए एक बड़ी मुहिम चला दी है। क्या किया है किन्नर समाज ने रूबीना के लिए, चलिए हम आपको टेलीटॉकीज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए टेलीटॉकीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर रूबीना दिलेक को जितवाने के लिए, विजेता की उपाधि दिलवाने के लिए, ट्रॉफी को उठवाने के लिए पूरी तरह से रूबीना के साथ खड़ा है किन्नर समाज, और किन्नर समाज ने इसके लिए वोट्स की अपील करनी भी शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि किन्नर समाज ने जगह जगह रूबीना के लिए पूजा रखी है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रूबीना के लिए किन्नर समाज पूजा कर रहा है और घर घर जाके रूबीना के लिए वोट्स की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई इलाके हैं छोटे छोटे, जहां पर जाकर किन्नर समाज के लोग रूबीना के लिए वोट्स मांग रहे हैं, अपना नृत्य का प्रदर्शन करके उनसे कह रहे हैं कि आप हमें फीस के तौर पर कुछ देना है तो रूबीना के लिए वोट्स दीजिए और कुछ मत दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक्ट्रेस जरूर जीते जिसने पर्दे पर एक किन्नर का किरदार निभाने की हिम्मत रखी, वरना उस किरदार को ना जाने कितनी सारी एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों, जिस तरह से किन्नर समाज रूबीना को सपोर्ट कर रही है, ये बात सच में काबिले तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए टेलीटॉकीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।